दौड़ती गाड़ी से जो एक नजर बाहर को गई, फटे कपड़ों में लिपटे एक मासूम पर जम गई। छोटी सी उम्र में चेहरे पे इतनी गहरी शिकन और हरे काह में दबी दिल की घुटन, आंखें थक चुकी थी पानी उगल उगल के, थर थराते ओंठ बस बे आवाज थे सिसकते। गाड़ी वक्त की रफ्तार की तरह आगे बढ़ गई और वो पत्थर की मूर्ति वहीं खड़ी रह गई। ऐसे ही कई मासूम बच्चे अपने आसपास के माहौल, अपनी गरीबी से थक कर जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर इंसान को थोड़ी बहुत चीजें जो इंसान महसूस करने के लिए चाहिए होती हैं उन्हें हासिल करने के लिए, जुर्म की तरफ मुंह मोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बस फिर समाज की गालियां, पुलिस की गोलियां, कानून के कड़े हाथ और फांसी का फंदा, ऐसे दिखाई देने लगता है उन्हें जैसे यह सब सामान पैदा होते वक्त अपने साथ लाए हों। मान लीजिए अगर इन्हीं बच्चों को गुनाह के रास्ते पर चलने से पहले सही तालीम और सही ट्रेनिंग देकर जुर्म के खिलाफ खड़ा कर दे सरकार, तो कैसा रहे? कैसा रहे अगर कत्ल से पहले ही कातिल को कर दिया जाए निहत्था? कैसा रहे अगर हत्या करने से पहले ही हत्यारे का मिटा दिया जाए सुराग? कैसा रहे अगर हथियार और खून के बीच का रिश्ता कानून का सरदर्द न बन पाए कभी भी? बस इन्हीं कुछ सवालों और ख्यालों का नतीजा है DSQ डिटेक्शन स्क्वाड। ये है तो वैसे हमारी कल्पना में साकार हुई एक काल्पनिक फोर्स, लेकिन हम इसे सरकार के सुरक्षा विभाग का एक जरूरी हिस्सा भी मानते हैं अपनी सीरीज के तहत। और इसी DSQ यानी डिटेक्शन स्क्वाड का एक अटूट हिस्सा है मोहनदास BLLB। मैं सच्चाई और मासूमियत की हिफाजत के लिए, मैं सिंह अभय फॉरेंसिक एक्सपर्ट, श्रीवास्तव DK हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, कुमार दिग्विजय एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, मैं सिन्हा गीता साइकोलॉजी एक्सपर्ट, मैं बेडाडे अमित असिस्टेंट डिटेक्टिव, मैं जारा खान असिस्टेंट डिटेक्टिव, मैं मोहनदास BLLB चीफ डिटेक्टिव। सच्चाई और मासूमियत की हिफाजत के लिए बनाए DSQ के उसूलों पर चलने और इस खुफिया फोर्स की गोपनीयता को बरकरार रखने की शपथ लेता हूं। Thank you.
सामान तैयार है? हाँ, क्यों? चलो, अगर 5 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। ए, सुनो, तुमने किसी आदमी को देखा है? काला कोट पहने हुए, छोटे से कद का, मूंछों वाला। हाँ हाँ, वही जिसने फूल खरीदा था। हाँ, ऊपर की तरफ गया है, आया था, अखबार खरीदा था। हाँ, ऊपर। हाँ, उधर ऊपर की तरफ। रोप तो पुलिस की तरह झाड़ती है, कपड़े तो वैसे नहीं है। हेलो, एडी ज़ारा खान स्पीकिंग सर। यस, गो अहेड। ही हैज लेफ्ट अ मिनट बिफोर वी अराइव्ड सर। ओह, इमीडिएटली उसके घर पे जाओ, चेक एट 510 DSR, ओके? यस सर। सामान मैंने रख दिया, चलो जल्दी से बैठो। पर जा कहाँ रहे हैं? मनोरी चलेंगे। ये बुर्का क्यों पहनवाया है? अभी पता चलेगा तुम्हें। वो लोग ढूंढ रहे हैं मुझे पूरे शहर में, 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। बुर्के वाला आइडिया तुम्हारा अच्छा था। मान लिया करो पहली बार की बात। बेल क्यों नहीं बजाई तुमने? समीर, तुम बेड में क्या कर रहे थे? पैकिंग, कुछ चीजें रह गई थी ना, उन्हें पैक कर रहा था। तो जा रहे हो? भीग गई हो, चेंज कर लो। Samir.
सनी पर्दे कहाँ गए? पर्दे पापा के साथ पूना ट्रांसफर हो गए हैं। क्यों? क्या उनके बेटे ने भी स्ट्राइक करवा दी थी? वर्मा का बस चलता तो ब्लडी रास्कल, कल मुझे मिल गया होता तो क्या करते? देखो क्या क्या है उसकी जेब में, निकालो। सही मिला। हाँ रखिए, यहाँ देखो सर। और देखो और क्या है सर? सर मोटे भी। हाँ रखो रखो। नायलॉन के तार से गला दबाया लगता है सर। खाने में अगर मिले का हक मैंने ना तुम्हें कभी दिया है ना कभी दूंगा। बस अब तुम चली जाओ यहां से और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? समीर को बंबई भेज दिया गया है क्योंकि वर्मा के लापता होने की रिपोर्ट बंबई में ही लिखाई गई थी और बंबई की गाड़ी दोपहर 2 बजे की है। हमारे घर आएगी। सॉरी, ये सर्दी। तो तुम क्या कह रहे थे? सर, पॉलिथीन के बैग से गला घोटकर मारा और फिर जूते उसी में रख दिए। पर सर,
कोई आदमी अपने ही बेड में लाश को डालकर पुलिस को फोन क्यों करेगा? इससे बेहतर तरीका अपने आप को क्लीन साबित करने का हो ही नहीं सकता सर। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है सर? मिस्टर वर्मा जो मर गए उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। ये लड़का समीर यूनियन का हेड। वर्मा डोनेशन ले रहा था एडमिशन के लिए। समीर ने धमकी दी उसे। वर्मा ने समीर के बाप को पूना ट्रांसफर कर दिया। समीर को भी शहर छोड़ना पड़ा। समीर ने वर्मा का कत्ल करके उसकी बॉडी को उसके बेड में डाल दिया और पूना पहुंचकर उसने पुलिस को यह खबर दी कि ना जाने कैसे वर्मा की बॉडी उसके बेड में आ गई, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट से यह साफ साबित होता है कि वो पॉलिथीन बैग जिससे कत्ल किया गया था उस पर समीर के उंगलियों के निशान थे। इट्स एन ओपन एंड शट केस सर। यस मिस ज़ारा खान। सर, एक नेहा नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। सर, मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं। Newspaper. Hi, how are you? Hello. आप नेहा? नेहा, जो मैं आपसे कहने वाली हूँ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं अपने बॉस की चेली हूँ। गलत आदमी को मैं छूटने नहीं दूंगी और मासूम को मैं फंसने नहीं दूंगी। Please, for God's sake, believe me. समीर मासूम है। कानून सिर्फ सबूत पे चलता है। सबूत सारे समीर के खिलाफ है। मगर सिर्फ एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? मेरे बॉस। मगर वो छुट्टी पर है। इस लाल लाइन का मतलब है कि वो इस केस में इंटरेस्टेड है। कहाँ मिलेंगे? मनोरी। नाम क्या है उनका? मोहनदास पीएलएलबी। मोहनदास बीएलएलबी। इंसानी फितरत और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, लेकिन छुट्टियां छुट्टियां होती हैं और मोहनदास छुट्टियों में काम नहीं करते। मगर सर, पागल है ज़ारा, जानती नहीं मोहिनी को? मोहिनी मेरी बीवी। सीधे चले जाओ कमरा नंबर 105, उसे मना लो तो हाजिर है मोहनदास बीएलएलबी जोरू का गुलाम। बस आंटी मत कहना उससे। सेब। थैंक यू। मगर तुम्हें जरूरत है इसकी। यू नीड इट। हाँ, एक बात और, मोहिनी को यह बताना मत भूलना कि तुम मां बनने वाली हो। तो तुम ये केस नहीं लोगे? एक सौ चार कुछ तो कम हुआ होगा वजन।
फिर से। यहाँ ना, एक बार इन्हें अंकल बुलाना। मैं जानती हूँ समीर ने ये कत्ल नहीं किया अंकल। क्या अंकल? तुम ये केस लोगे या मैं विलियम्स को फोन करूं? एमडी मुझे जवाब दो। ओके। हेलो, गिमी बॉम्बे, चीफ विलियम्स, डीएसक्यू, अर्जेंट। मैं केस लेने को तैयार हूं, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली ये कि आज के बाद तुम मुझे कभी अंकल नहीं कहोगी, और दूसरी एमडी, सर, हाँ मैं ये केस जरूर करना चाहूंगा सर। आई लव टू डू इट। श्योर सर, राइट देयर। ओपन एंड शट सर। डिटेल्स। कातिल समीर कॉमर्स कॉलेज का दादा, वर्मा जिसकी लाश मिली उसी कॉलेज का ट्रस्टी। डोनेशन की वजह से समीर ने उसे मसल्स दिखाए, धमकी दी और फिर मार डाला। सारे प्रूफ उसके खिलाफ है सर। मेरे ख्याल में मासूम है सर, और वैसे भी नेहा ने आपको बताया होगा कि वो उससे मोहब्बत भी करता है। किसी से मोहब्बत करना किसी की मासूमियत तय नहीं कर सकता जरा। नहीं सर। नहीं। एग्जिबिट्स। सर, उसी शाम के टिकट्स दिए थे अपने पेरेंट्स को फिल्म के। लाश इन कपड़ों में थी। बेड पर यह बोरी का टुकड़ा था सर। इस पॉलिथिन बैग से गला घोट के मारा गया। उंगलियों के निशान समीर के हैं। ये बेल जिसमें लाश मिली। Thank you.
ताजा लकड़ी है, नया बेड बना। साड़ी लटकाने के बाद हम थोड़ी देर सोए, फिर ट्रक आ गया और लोडिंग शुरू हो गई। खतरे की हर चीज का रंग सुर्ख क्यों होता है? चॉकलेट। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सर, कॉमर्स कॉलेज का प्रिंसिपल। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से खुद सुना है। समीर ने वर्मा को धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा, और आप जानते हैं कि ये कोई मजाक नहीं। जी हां सर साहब, ये घटना हुई तब तो मैं छुट्टी पर था। नहीं, ये कौन है? मिस्टर वर्मा का पीए सर। जान से मार डालने की? साहब ने मुझे कहा इनके पिताजी के ट्रांसफर कर दो, मैंने करवा दी। आखिर मैं पीए हूं, मैं क्या करता हूं? ओ जी, मैं तो जैसा मुझे सामान दिया था वैसे ही जाकर पुनः उतार दिया, समझे कि नहीं समझे? और साहब जी, मेरा तो क्लिंडर भी भाग गया। ये वही ड्राइवर है जिसने ट्रक में सामान लोड किया था। क्लिंडर जी, हमारे सामने समीर ने धमकी दी थी वर्मा जी को मार देने की। सर, माय लॉर्ड, एग्जिबिट नंबर 3 के मुताबिक जिस बेड में मिस्टर वर्मा की लाश मिली थी उस बोरी के कपड़े को हरे रंग की रस्सी से सिया गया था, मगर मिस्टर समीर ने बंबई में उस बेड को जिस रंग की रस्सी से सिया था वो लाल रंग की थी। यहां से केस एक नया मोड़ लेता है, इसलिए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिस्टर समीर को 15 दिन और रिमांड में रखने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस वर्मा, ट्रस्टी की बीवी। तक चुन, 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 तक चुन,
ट्रक पर सामान लदवाने के बाद तुम बॉम्बे से पूना ट्रेन से गए और पूना पहुंचकर माँ बाप को सिनेमा की टिकट दे दी ताकि उन्हें सामान खोलने की तकलीफ ना करनी पड़े। और कुछ नहीं? श्योर या मेरी अकल नहीं मानती समीर, बता दो ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? छुट्टियों में मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन ये केस मैंने लिया है उस बच्चे की वजह से जो इत्तेफाकन तुम्हारा है। अगर तुम मासूम हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। देखो, फांसी का फंदा कोई महबूबा नहीं होता जिसे गले लगाने में बड़ा सुकून महसूस हो। जरा सा हाथ रख कर देखो यहाँ क्या ऐसे बहुत तकलीफ होती है। चुराए थे पैसे। कहाँ से? प्रिंसिपल के ऑफिस से। क्यों गए थे वहां? वर्मा। वर्मा कौन? ट्रस्टी है, उसने बुलाया था मुझे। कब? परसों शाम 20 तारीख। कैसे? फोन करके। फिर? जब उसे कमरे में गया तो वहां पर कोई नहीं था। मेज पर बहुत सारे रुपए पड़े हुए थे। फिर मेरी नजर पड़ी इस पॉलिथीन बैग पर और मैंने इसे पैसों से भर लिया। अचानक मुझे लगा कहीं वर्मा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉलिथिन बैग कहाँ था? सर यहाँ पर। उस हादसे की अगली रात जब मैं सामान पैक कर रहा था तो नेहा मुझसे मिलने आई। तो मैं जो वो पैसे जो है छुपा रहा था बेड के अंदर किताबों के नीचे। कौन था?
भाई जो लाश के साथ बाथरूम के अंदर था जब तुम कमरे में आए थे तो। हाँ।